पहले नहीं, 20 साल पहले प्रधानमंत्री जी, वन मिनट प्रधानमंत्री जी, एक मिनट, आई वुड लाइक टू टेल एवरी वन व्हाट हैपेंड टू यू, इफ यू हैव सम प्रॉब्लम गो टू द डॉक्टर प्लीज, सिट डाउन, सिट डाउन, रेडी कर, सिट डाउन, सिट डाउन, दिस नॉट द वे, आई हैव टू नेम यू प्लीज, गो टू द अध्यक्ष जी, सभापति जी, सभापति जी, रेणुका जी को आप कुछ मत कहिए, टू द ऑफिस एंड आल्सो टू मीडिया, सभापति जी, नॉट टू रिपोर्ट सच अ लूज टॉक एंड अनरूली बिहेवियर प्लीज। सभापति जी, मेरी आपको प्रार्थना है, रेणुका जी को कुछ मत कीजिए, रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का आज सौभाग्य मिला है। बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राज्यसभा में जवाब दे रहे थे, तभी कांग्रेस की सांसद रेणुका चौधरी हंसने लगी। उनकी इस हंसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि रामायण सीरियल के बाद उन्हें इस ऐसी हंसी सुनने का सौभाग्य मिला। पीएम ने सभापति वेंकैया नायडू से अनुरोध किया कि वह चौधरी को हंसने दे। पीएम मोदी ने बुधवार को संसद के दोनों सदनों, लोकसभा एवं राज्यसभा में कांग्रेस पर चुन चुनकर हमले किए। पीएम ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का बुधवार को प्रधानमंत्री जब जवाब दे रहे थे, उसी दौरान किसी बात पर कांग्रेस की नेता रेणुका चौधरी ठहाके लगाकर हंसी। सभापति एम वेंकैया नायडू ने रेणुका के हंसने पर उन्हें ऐसा नहीं करने के लिए टोका और कहा कि प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान इस तरह का व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस नेताओं से कहा कि रेणुका को इस तरह का व्यवहार नहीं करने के लिए कहा जाए, नहीं तो वह उन पर कार्रवाई करेंगे। इस पर प्रधानमंत्री ने कहा, रेणुका जी को कुछ मत कहिए क्योंकि रामायण धारावाहिक समाप्त होने के बाद पहली बार ऐसी हंसी सुनाई दी है। इस तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। साथ ही आप अपने नए आइडिया और अपने पसंद के न्यूज़ या वीडियो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं।